How's the Josh, Kanishka? Not so high. How's the Josh? Hi, sir. We are ready. And you are also ready to watch this trailer reaction. So let's start. So basically, हम एक घूमर कुछ movie है. कोई official trailer आ रहा है. तो देखते हैं क्या है. वैसे नाम तो बड़े अनसुने से लग रहे हैं. क्या घूमर से मुझे वो याद आ रहा है. घूमर 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 दीपिका पादुकोण. हाँ, बट इसमें हम अगर कैरेक्टर्स की बात करें, शबाना, अभिषेक, सयामी, अंगद. स्टार्ट करते हैं. हो गया. लॉजिकली एक हाथ से कोई देश के लिए खेल सकता है. एक हाथ से नो, लेकिन ये लाइफ ना लॉजिक का खेल नहीं है. लेकिन ये सारा मैजिक मेरी लाइफ में कभी खेलने ही नहीं है. Why? फिर एक दिन अचानक से कोई दरवाजे पे खटखटाया. खुला देखा मैजिक. कैसे मालूम? पंखे से रस्सी टंगा के या बेडशीट बांध के. एक हाथ से कैसे करोगी? एक हाथ से जान लेना मुश्किल है. इंडिया के लिए फिर से खेलना अगर तुम चाहो. ये जोश चाहिए. जिंदगी भर सिर्फ एक ही चीज साफ करने वाला तुम्हारा ये बाया हाथ अचानक एक दिन जाग के बोली कर पाएगा. ये स्ट्रगल प्रैक्टिस बहुत तगड़ी है इसकी. ये क्या महसूस करता है? I know. बताओ पिक्चर. Also want to know. जा बेटा वहां बाप. क्या महसूस करते हैं? वाव. ये जो था ना, ऐसे जब उसने टर्न किया. वंडरफुल. घूमर घूमर. पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बंदा अपनी स्टोरी रिलेट कर पा रहा है या फिर कुछ ऐसा सा देखने को मिल रहा है. वाइब यहाँ पे चक दे इंडिया जैसी थोड़ी थोड़ी मैच. हाँ. हो रही थी. और जहाँ तक बात करें अगर हम ट्रेलर की, तो ट्रेलर से हमें ये समझ में आ रहा है कि जैसे चक दे इंडिया में कोई. हाँ. एक कोच है वो अपनी छवि देखना चाह रहा है. लेकिन वहीं एक लड़की है जो बहुत अच्छी प्लेयर है, जो मतलब प्रैक्टिस करती जाती है. लेकिन फिर उसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसके बाद वो अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करती है. और उसके बाद में एक ऐसी मूवी दिखाना जहाँ पर कि एक ऐसे स्पोर्टमैन को आप आगे दिखाना चाहते. हाँ. हो कि वो जो जहाँ पे लोग गिव अप कर देते हैं, मतलब एक ऐसे स्पोर्टमैन, क्योंकि स्पोर्ट्समैन के लिए तो उनके फिजिकली यू नो फिट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो वहाँ पर उस इंसान को कैसे मोटिवेट करते हैं उनके कोच, यही मूवी में दिखाने की कोशिश की गई है. मुझे लगता है कि एक इंसान के लिए जो एक बहुत अच्छा प्लेयर रहा है लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया. hmm. लेकिन उसके बाद वो फिर से कम बैक कर रहा है, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है. टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं. तो ये बहुत मोटिवेटिंग मूवी होने वाली है. खास तौर पर यार हम ये तो देखने वाले हैं. और अभिषेक बच्चन की बात कर लीजिए. और हाँ, अभिषेक बच्चन की एक्टिंग, उसकी तो कोई मतलब मेरे को मुझे ऐसा लगता है कि कनिष्का ये अभिषेक बच्चन का ना एक मोड चलता है एक्टिंग का. जैसे अभी हमने 10वीं फेल में या 10वीं पास ऐसे, हाँ 10वीं पास करके एक मूवी आई थी, जो वहां पे उनका मोड था वही यहाँ पे भी मोड दिख रहा है. तो मुझे कुछ खास एक्टिंग नहीं लगी. आप भी बताना ट्रेलर कैसा लगा. मुझे लगा काफी सेंसिटिव डायलॉग्स ने बहुत अच्छे से बोले हैं. वो 10वीं में भी है अगर आपने नहीं देखा हो. वो वहाँ पे मैं ये कह रही हूँ कि ज्यादा ना चेंज नहीं दिख रहा. वो एक चेंज दिखना चाहिए ना, कि आप एक मूवी के बाद दूसरी मूवी में आ रहे हो तो वो चेंज दिखना चाहिए मुझे लगता है. बाकी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. AGSKI 360.